साहब आजकल हो ये रहा है कि बारिश होती है कुछ देर की और उसके बाद जो है वो अपना असर छोड़ जाती है बस हब्स का एक एनवायरनमेंट हो जाता है और फिर कितने कितनी देर बारिश नहीं होती है फिर कुछ कतरे गिरते हैं फिर एकदम से हब्स हो जाती है ऐसी सिचुएशन में पिच क्या डिमांड करती है पानी और वो ना देखिए पिच तो कवर हो जाती है ये हल्की फुल्की बारिश उसको असर नहीं लेकिन ये जो हब्स वाला है ये ह्यूमिड वेदर जो है ये किसी भी किस्म की जो आउटडोर आउटडोर गेम है ना उसके लिए ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि स्पिनर्स फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं इवन जो ग्राउंड में फील्डर्स भी हैं ये उनके लिए भी एक बड़ा uh, मुश्किल तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो उसके लिए तैयार होते हैं जहनी और जिसमानी तौर पर लेकिन एक मुश्किल uh, इस सेंस में ज़रा कि आपको ज़्यादा जान लगाना पड़ती है देखें आप स्वेट हो रहे हैं आपको होती है ठीक है तो आपको फोकस रखना पड़ता है ऑल द टाइम जो हाँ। फील्डर्स हैं उनको हर वक्त फोकस रखना पड़ता है बॉल किसी भी वक्त आ सकता है यही हाल जो है जब आप बैटिंग कर रहे हों या आप बॉलिंग कर रहे हों तो उस वक्त भी आपको ज़रा मामूल से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है क्योंकि आ, मौसम उतना अच्छा होता नहीं अगर यही क्रिक टेस्ट मैचेस अगर आप देखें कि जनवरी में हो रहे हों फरवरी में हो रहे हों मार्च में हो रहे हों तो या नवंबर दिसंबर में हो रहे हो तो मौसम ज़रा थोड़ा सा मुश्किल अब वो बेहतर होता है उस लिहाज से लेकिन इस मौसम में जहाँ पर आपको ह्यूमिडिटी होती है हब्स जिसका आपने जिक्र भी किया है वो होता है तो ये ज़रा मुश्किल मौसम है क्रिकेट के लिए और इसी वजह से तो हमने कहा था चंद दिन पहले भी जब ये सीज़न की बात हो रही थी पी के कि आपने जो फोर डे क्रिकेट है वो आप मई से मई जून जुलाई अगस्त में रखा ला हाँ मई के आखिर से जून जुलाई अगस्त में करवा रहे हैं गोखे उसके लिए वो सर्द नस्बता बेहतर मौसम की तरफ जा रहे होंगे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब मुश्किल तो होती हैं कि अगर आप एक्सट्रीम वेदर में खेलते हैं तो वो खिलाड़ियों को उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और फिर इंजरीज़ के इमकान बढ़ जाते हैं अगर आप देखें ना कि आपने दस ओवर किए हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना ज़्यादा आपको पसीना आएगा और फिर आप सारा दिन ग्राउंड में रहना है और ये ऐसा मौसम है कि अगर आप खड़े भी किसी जगह पर रहें ना तो आपको खड़े खड़े कुछ भी ना कर रहे हो हाँ। तो आपको इतना पसीना आएगा कि जिसकी हादसा आप अगर आप भाग रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं और जब आप फोकस होते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर तो आपकी बॉडी ज़्यादा वर्क कर रही होती है आपको और ज्यादा तरीके से स्वेटिंग होती है अच्छा मुसलसल आप पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हाँ चीज़ें हा, आपको हाई डिहाइड्रेशन भी हो जाए स्वेटिंग मौसम मुश्किल है मौसम मुश्किल है हब्स में ज़्यादा मुश्किल होगी अब लेकिन ये क्रिकेटर्स जो हैं अब देखें ना पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की ए टीम ने जाना था ऑस्ट्रेलिया डार्विन खेलने के लिए तो एक फिजिकल फिटनेस के लिए कैंप लगा था कराची में और उसके बाद जब पाकिस्तान के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेलने के, के लिए गए तो वहाँ पर भी एक दो फास्ट बॉल थे तो उनको इंजरीज हुई थी आ, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जब वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा उनको ट्रेनिंग करवाई गई कि वो ऑस्ट्रेलिया गए और वो पहले ही इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे कि वो उसके जब कंपटिशन में गए अनफिट हो गए तो अब देखना यह है कि बारिश साहिबा जो हैं वो इजाज़त देती हैं या नहीं देती हैं लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के पाकिस्तान ने नौ टेस्ट मैचेस खेलने हैं अभी वो जो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि पाकिस्तान ने ग्यारह टेस्ट मैचेस खेलने हैं ये जो दो साल के राइट्स पाकिस्तान के हाँ। हुए हैं ना इन ग्यारह में से नौ तो पाकिस्तान ने अब से शुरू होकर क्या आइंदा चंद महीनों में नौ खत्म कर देना इसका देने। मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के अगला साल है उसमें शायद पाकिस्तान सिर्फ दो टेस्ट मैचेस ही खेलेगा तो ये अलार्मिंग है कि अगर शान मसूद पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैचेस ज़्यादा टेस्ट जो सिर्फ टेस्ट मैच यानी कि एक फॉर्मेट खेलते हैं उसके उनके लिए क्या होगा मैं फिर भी एक मत मतबा देख लेते हैं ताकि किसी किस्म का को कोई अभाम रहा ना हाँ पाकिस्तान ने अट्ठाईस माह के दौरान मजमू तौर पर ग्यारह टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो ग्यारह टेस्ट मैच में इसमें दो हज़ार चौबीस पच्चीस के साठ टेस्ट मैच भी शामिल हैं चलें ये सात कर लें तो इसका मतलब यह है कि दो हज़ार चौबीस पच्चीस का जो सीजन है पाकिस्तान का उसमें पाकिस्तान साठ टेस्ट मैच खेलेगा और पच्चीस छब्बीस का जो सीज़न होगा उसमें पाकिस्तान चार टेस्ट मैचेस खेलेगा अगर... इस इस दौरान दौरान फिर हमारी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी भी भी है हाँ, इस दौरान हमारी तो, भी है। हाँ, सब सब चीज़ें हैं लेकिन जो जो पॉइंट है इसमें कि अगर आप इन दो बरसों में अट्ठाईस माह की जो ये बता रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है ना हाँ, तो नौ टेस्ट मैचेस शान ने भी कहा था चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस इस एक सीजन में खेल लेने हैं बाकी दो टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं सो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है क्योंकि जितनी क्रिकेट होती है अब ऐसा नहीं है कि दो ही फॉर्मेट हैं टी ट्वेंटी वन डे और टेस्ट मैचेस तो आपके प्लेयर्स इंगेज रहते हैं अब बहुत सारे कई खिलाड़ी आपके ऐसे हैं जैसे इवन पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन हैं शान मसूद तो वो तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ रेड बॉल ही खेलते हैं और अगर उनको आठ नौ महीने बगैर टेस्ट मैच के बैठना पड़ेगा ये तो फिर उनकी पोटेंशियल से जो उनकी सलाहियतें ना सिर्फ वो हाँ। बल्कि उसके अलावा भी और जो खिलाड़ी हैं जो टेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए मुश्किल होंगी मुश्किल होंगी साहब आप देखें ना आमिर जमाल जिस तरह से अभी उनकी भी तश्वीशनाक है मतलब कुछ हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मैच फिट हैं तो अगर वो भी क्योंकि बार बार अगर आपको रेस्ट नहीं मिल रहा इस दौरान अगर आप मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी बॉडी पर भी उसका असर पड़ता है आपकी इंजरीज भी होती हैं आपको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है तो किस तरह से केयर की जा सकती है फिर अपने देखिए एक मैचे? तो ये है कि जैसे भी हम टेस्ट मैचेस का जिक्र कर रहे हैं ना कि ग्यारह टेस्ट मैचेस अगर फ़र्ज़ कर लें कि पाकिस्तान ने दो टेस्ट साल में ग्यारह टेस्ट मैचज खेलने हैं तो इसका मतलब ये कि साढ़े पाँच मैचज़ एक साल में बारह महीनों में यानी कि आप पाँच टेस्ट मैच खेलेंगे ठीक है बारह महीनों में पाँच टेस्ट मैच तो ये तो हर दो महीने के बाद भी एक नहीं बनता तो ये किस हद तक आपके लिए तकलीफ दे इस लिहाज से भी है कि जो आपके टॉप बॉलर्स हैं मतलब नसीम शाह हैं शाइन आफ्रीदी हैं इवन आमर जमाल जिनका आपने ज़िक्र भी किया तो ये जो आपके टेस्ट में अगर इन्होंने तीन तीन सौ चार चार सौ पाँच पाँच सौ आउट करने हैं तो मैचेस मिलेंगे तो करेंगे ना और नसीम शाह जैसे या शाइन आफरीदी को अगर लंबे मैच आ, बॉलिंग की ज़रूरत है उनको अगर अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और उनको आप टेस्ट मैच में वो विकटें लेंगे मुख्तफ़ किस्म के हालात में बॉलिंग करेंगे सुबह दोपहर शाम में तीन मुखलिफन में बॉलिंग करेंगे तो उनकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो सकती हैं नसीम शाह जो है वो निखर सकते हैं अगर उनको ज्यादा टेस्ट मैचेस मिलें तो अगर उनको तीन तीन सौ का हदफ हो विकटों का हमने इनकी तीन तीन सौ चार चार सौ विकटें करवानी है तो ये प्लान तो इस तरीके से होना चाहिए ना कि ये मेरे टेस्ट बॉलर है ये मेरे टेस्ट बैटर्स है इनके मैं सेवन थाउजेंड रन देख रहा हूँ एट थाउजेंड रन देख रहा हूँ ये चार सौ विकटें इसकी देख रहा हूँ तो मुझे चाहिए इनसे चार सौ विकटें इनसे मुझे आठ नौ दस हजार रन चाहिए तो फिर आप अपना टूर अपना कैलेंडर उस तरीके से प्लान करते हैं मैक्सिमम तो जो उनकी पोटेंशियल है उससे अगर आप फायदा नहीं उठा पाएंगे अब इंडिया को देखें उन्होंने पहले तो पूरी अपनी बिल्कुल टीम भेजी जो उन्होंने लेकिन आप ये देखें ना कि वो रिस्क नहीं लेते हैं इस तरह से देखिए पूल ऑफ अभी अगर टेस्ट मैचेस की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर पांच टेस्ट मैचेस खेलने फिर मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी टेस्ट मैचेस खेलने होम आ फिर शायद न्यूजीलैंड ने खेलने के लिए आना है या इंग्लैंड ने आना है और टेस्ट मैचेस हैं तो टेस्ट मैचेस अगर आपकी इवन बाबर आजम मतलब अगर आपके वो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं इमाम अब्दुल्ला शफीक अब्दुल्ला शफीक अगर वो, वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और वो साल दो साल में सिर्फ ग्यारह टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो क्या ये जुल्म नहीं है मतलब अब बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप बैटर हैं और अगर वो दो साल में सिर्फ ग्यारह टेस्ट मैचेज़ खेलेंगे तो क्या ये उनकी सलायीतों से इंसाफ़ है मैक्सिमम आपको कम अज़ कम और कुछ नहीं और अठारह उन्नीस टेस्ट मैच तो मिलने चाहिए ना दो साल में मतलब दस टेस्ट मैच कम अज़ कम पाकिस्तान को रखने चाहिए अपने कैलेंडर में साल में जो सीज़न है उसमें दस टेस्ट मैचेस तो रखने चाहिए सले दस ना रखें आठ तो रखें नौ आठ नौ सोलह अट्ठारह सोलह अट्ठारह के दरमियान में भी होंगे ना तो आप देखें अगर किसी का आ, करियर है पाँच साल का और अगर वो एक साल में आठ टेस्ट मैचेस खेलता है तो पाँच साल में वो चालीस टेस्ट मैच खेल गया कुछ उसने अचीव तो कर चालीस टेस्ट हाँ। मैचेस अच्छे खासे टेस्ट मैचेस हैं और अगर आप आठ साल तक जाते हैं या दस साल तक आपका इंटरनेशनल करियर जाता है तो आपके पास ये चांस तो होगा ना कि यार आप कहीं ना कहीं थोड़ा आपका करियर लंबा होता है आप सौ टेस्ट मैचज खेल सकते हैं इसलिए इस सारी सूरत हाल में जितनी आप रेड बॉल क्रिकेट की तरफ जाएंगे आपकी प्लेस की जो क्वालिटी है उनकी स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगी वर्ल्ड मैप के ऊपर जो क्रिकेट का है जो नक्शा है क्रिकेट की दुनिया का वहाँ पर आपके खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग हैं ब्रायन लारा हैं सुनील गवास्कर हैं जावेद मियादाद हैं जैक कैलेस हैं आपके इंजमाम हक, हक हैं ये भी आउट साउथ इंग्लैंड के लेफ्टी थे एलेस्टर कुक हैं मतलब ग्रेट विव रिचर्ड्स हैं दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना जिन्होंने विराट कोहली अभी हैं सचिन तेंदुलकर हैं महिला जयवर्धनी हैं संगकारा हैं जयसूर्या हैं तो आपने अपने प्लेयर्स को उस सफ में लाना है कि जहाँ पर वो दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स के साथ उनका नाम लिया जाए शेन शैन वसीम वसी मकर जिमी एंडरसन स्टोर्ट ब्रॉड कैथली एम्ब्रोज मेलकम मार्शल एलन डोनल्ड रिचर्ड हेडली डेनिसली कपिल देव वसीम अक्रम वकार यूनस इमरान खान तो ये सारे के सारे वो लोग हैं रेड बॉल में जब उनके ज़्यादा मैचेस नहीं होंगे ये एक और भी चीज़ है इसमें देखिए बात यह है कि अगर आप दो घंटे के लिए पढ़ेंगे तो आप बीस घंटे वाले का तो मुकाबला नहीं कर सकेंगे ना बीस घंटे वाले की फिर भी ज्यादा, ज्यादा होगा समझ भी ज़्यादा होगी ज़्यादा होगी देखे ना फोकस ज्यादा होगा आप बहुत ये अगर आप सिर्फ टी ट्वेंटी क्रिकेट खेलेंगे ना तो आपके पास तो बात करने के लिए क्रिकेट को समझने के लिए भी उतना इलम मौजूद होगा जितना आप उसको टाइम देंगे मतलब ग्राउंड इज जस्ट लाइक कि जितना प्लेस ना आपका स्कूल है वो आप yeah, सीख रहे हैं। जितना वक्त आप उसको देंगे उतना ही वो वक्त आपको वापस देंगे हाँ, तो इसलिए अब ये अब ये देखना हर खबर में जैसा कि हर प्रेस रिलीज में भी खबर होती है कि ग्यारह टेस्ट मैच जैसे चंद दिन पहले शान ने भी कहा था लेकिन इन्होंने ऑफिशली अनाउंस किया है दो साल में ग्यारह टेस्ट मैच तो मतलब ये एक नहीं आपको लगता है कि ये बहुत कम है कम, कम है जी बिल्कुल मतलब अब्दुल्ला शफीक अगर वनडे क्रिकेट नहीं खेलते हैं टी ट्वेंटी क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं तो उनका क्या है मतलब वो मतलब एक एक मैच खेलेंगे उसके बाद इंतजार करेंगे

में जो खिलाड़ी खेलते हैं वैसे तो शान मसूद ठीक है टेस्ट के प्लेयर है साउथ शकील को भी हम वहीं पर काउंट करते हैं अब हमें थोड़ी इसके अंदर भी कैटेगराइज करना है प्लेयर्स को देखिए ये तो शान मसूद का जहाँ जिक्र किया 2022 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गया वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप था और उसमें टॉप स्कोरर थे फाइनल में भी मेरा ख्याल वो टॉप स्कोरर थे इंडिया के खिलाफ जो सबसे अहम मैच था पाकिस्तान का उस वर्ल्ड कप में जो कि पाकिस्तान हारा नाकाम हुआ पाकिस्तान जीत नहीं पाया उस मैच को उसमें भी वो टॉप थे हाँ। तो ये तो अब इसका इहसार जो है ये फैसला साजों के ऊपर है कि आप क्या किसी को किसी को लेबल तो नहीं करना चाहते हैं मतलब आप अगर ये सही कि अब्दुल्ला शफीक सिर्फ टी ट्वेंटी टेस्ट मैच ही खेल सकते हैं या साउथ शकील साउथ शकील इवन किसी को भी आप कैसे कर सकते हैं ये आप ट्राई आउट करते हैं ये जो है ये वो लोग फैसले करते हैं जिनको जो किसी की टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन की सलाहियत हो किसी में मौजूद अगर किसी में टैलेंट, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी ही ना हो ना तो वो कभी भी स्विच नहीं करा सकता प्लेयर्स को मतलब अगर कोई ये समझता है उसने कुछ देखा है वो फिर लाजिम नहीं है कि वो सिर्फ मैच ही देख लेता है अगर वो फिर उसका कोई प्रैक्टिस सेशन भी देता, यार इसको यहाँ पर ये बॉल करो ये करो ये करो ये करो। फिर वो समझता है कि इसमें जान है तो फिर आप स्विच करते हैं अपने प्लेयर्स को आप नंबर्स भी स्विच कर देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आप समझते हैं सम टाइम प्लेयर्स एडजस्ट नहीं करते हैं तो आप वापस उसको उसके पोजिशन हाँ. पर ले जाते हैं तो किसी को महदूद नहीं करना चाहिए लेबल नहीं, लगा लेबल लेबल नहीं लगाना लेबल नहीं लगाना चाहिए आपको उसकी स्किल्स को डेवलप करने हाँ. के लिए काम करना चाहिए कि अगर अगर अब्दुल्ला शफीक में ये सलाहियत है कि वो हाई स्ट्राइक रेट के साथ भी जा सकता है तो सिर्फ उसको टेस्ट मैचेस तक महदूद नहीं रखना चाहिए अगर साउथ शकील आ, बेसिक्स के अबर एक इंडिया के बैट्समैन हैं ऋतुराज गायकवाड या मेरा ख़्याल है कौन है एक आ, वो आ, जो हैं हाइस्ट उनका 150 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट अक्सरियत बात नहीं अक्सर मौक़े में दे, देखा गया है कि वो 150 के स्ट्राइक रेट से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे होते हैं लेकिन उनकी जो शॉट्स हैं वो ग्राउंड शॉट्स ही होते हैं मतलब छक्के नहीं होते हैं ज़्यादा दस ग्यारह बारह चौके नज़र आएंगे, एक आध छक्का नजर आएगा लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो वन फिफ्टी से प्लस ही होगा अबव होगा वन फिफ्टी से वन फोर्टी से अबव होगा तो आपके आ, ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं ना आपके आप मिनिमम रिस्क के साथ हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकते हैं तो ये किसका काम है ये उसका काम है जिसको ये पता होगा कि यार इसमें किस चीज़ की कमी है इसको दूर किया जा सकता है